प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता दिवस का हमेशा ही एक विशेष महत्व होता है, लेकिन इस बार इस दिवस के साथ एक खास बात जुड़ी हुई है। कुछ ही सप्ताह बाद 2 अक्टूबर से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के समारोह शुरू हो जाएंगे। गांधी जी ने केवल हमारे स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व ही नहीं किया था, बल्कि वो हमारे नैतिक पथ प्रदर्शक भी थे और सदैव रहेंगे। भारत के राष्ट्रपति के रूप में मुझे अफ्रीका के देशों की यात्रा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। विश्व में हर जगह जहाँ जहाँ पर मैं गया, संपूर्ण मानवता के आदर्श के रूप में गांधी जी को सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। उन्हें मूर्तिमान भारत के रूप में देखा जाता है। हमें गांधी जी के विचारों की गहराई को समझने का प्रयास करना होगा। उन्हें राजनीति और स्वाधीनता की सीमित परिभाषाएं मंजूर नहीं थी। जब गांधी जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के आंदोलन के सिलसिले में बिहार गए, तो वहाँ उन्होंने काफ़ी समय वहाँ के लोगों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को स्वच्छता और स्वास्थ्य की शिक्षा देने में लगाया। चंपारण में और अन्य बहुत से स्थानों पर गांधी जी ने स्वयं स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने साफ सफाई को आत्म अनुशासन और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक माना। उस समय बहुत से लोगों ने यह सवाल उठाया था कि इन सब बातों का भला स्वाधीनता संग्राम के साथ क्या लेना देना है। महात्मा गांधी के लिए स्वाधीनता के अभियान में उन बातों का बहुत महत्व था। उनके लिए वह केवल राजनैतिक सत्ता प्राप्त करने का संग्राम नहीं था, बल्कि गरीब से गरीब लोगों को सशक्त बनाने, अनपढ़ लोगों को शिक्षित करने तथा हर व्यक्ति, परिवार, समूह और गांव के लिए सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार का संघर्ष था। इस स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जो गांधी जी की 150वीं जयंती समारोहों के इतना करीब है, हम सब भारतवासी अपने दिन प्रतिदिन के आचरण में उनके द्वारा सुझाए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लें। हमारी स्वाधीनता का उत्सव मनाने तथा भारतीयता के गौरव को महसूस करने का इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं हो सकता।